सोनभद्र में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश से जगह जगह सड़क पर भारी जल जमाव हो गया है। ओपरा थाना क्षेत्र के राजस्व देने वाला बिल्ली मारकुंडी गांव में सड़क पर भारी जल जमाव होने से 50 घरों के लोग घर से बाहर निकलकर नहीं आ पा रहे हैं। कई लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। बता दें कि बिल्ली मारकुंडी गांव हर महीने सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व देता है, लेकिन इस गांव की समस्या देखने के बाद भी अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं। ओपरा थाना क्षेत्र के राजस्व देने वाला बिल्ली मारकुंडी गांव में सड़क पर भारी जल जमाव होने से 50 घरों के लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। कई लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। बता दें कि बिल्ली मारकुंडी गांव हर महीने सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व देता है, लेकिन इस गांव की समस्या देखने के बाद भी अधिकारी नजरअंदाज करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर भारी जल जमाव से हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसकी शिकायत BDO से लेकर जिलाधिकारी से कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। संकटा प्रसाद, निवासी बिल्ली मारकुंडी। संकटा जी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे जी, सड़क पर जल जमा हो गया, क्या इसकी शिकायत आप लोग किए थे? बिल्कुल सर, इनका शिकायत हुआ था, DM तक हम लोगों ने लिखित कंप्लेंट पहुंचाया हुआ है। और इस समय प्रेजेंट टाइम में जो पानी भरा है, घुटने तक पानी भरा है, 50-60 घरों के आदमी निकल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, सड़क पर बहुत मुश्किल हो गई है एकदम। तो अधिकारी यहाँ कभी आए हैं? नहीं, अधिकारी कोई नहीं, अभी हमारे सभासद आए थे हमारे रोड के। और ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश जी, किस बात को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे? ये जल जमाव के कारण जो है यहाँ आने जाने में समस्याएं हो रही है। कम से कम 50-60 घर हैं जिसमें लोग आना जाना दुर्लभ हो गया है बरसात की वजह से, और लोगों के जिनके घर नीचे हैं उनके घर में पानी भी घुस गया है। तो कब से है ये समस्या? ये समस्या है यही बरसात से है, और इससे पहले तो समस्याएं थी ही कि पानी सड़क पर गिरना और जल जमाव होना। इसकी शिकायत आप लोग उच्च अधिकारियों से कभी? जी हाँ, BDO से और अधिकारियों से। वो लोग आके यहाँ पे देख के और गए, लेकिन इन लोगों ने कोई डिसीजन नहीं लिया ना कोई कार्य किया। जिलाधिकारी तक बात पहुँचाए थे? जी हाँ, यहाँ के हम लोगों ने कंप्लेन भी किया है इसके लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।